मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं MBBS इन बांग्लादेश के एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो सस्ता बोलना बेकार होगा, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो ऑफर करता है प्योर वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी वर्ड यूज़ करने का सबसे मेन रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपके लिए वो कंट्री, वो पर्टिकुलर प्लेस खुलना सिटी मैंने विजिट किया और आपके लिए वो कॉलेज लेके आया जो सिर्फ सस्ता नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एजुकेशन क्वालिटी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, ये जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, ये मेडिकल कॉलेज के बाद मैं और भी जो कम बजट का अच्छा यूनिवर्सिटीज है उसका पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रहा हूँ। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसमें धीरे 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 मैं बताऊँगा बांग्लादेश में अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, जिससे आप अगर बांग्लादेश जाएँ या ना जाएँ, मैं आपके घर में बैठ के पूरा बांग्लादेश आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो अद्दीन अकीज़ को जानने के लिए मैं चला गया बांग्लादेश खुलना सिटी मेरे स्टूडेंट्स के साथ। वहाँ पे जाके मैं वीडियो बनाना शुरू किया, तो सबसे अच्छा क्या लगा कि एक अद्दीन ग्रुप के जितने भी मेडिकल कॉलेज या जितना भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जूता पहन के एंट्री कर नहीं सकते। देखो कितनी अच्छी बात है, साफ सफाई एकदम शुरुआत से वो लोग मेंटेन करते हैं। आप चाहे कैसे भी इंसान हो, आपके शूज डिपॉजिट हो जाता है एंट्री गेट पे ही, और वहाँ पे आप पूरे बेयर फीट पे आप आगे प्रोसीड करते हो। हमेशा साफ सफाई चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सेग्रीगेटेड है और पेशेंट भरमार है। 500 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पे 24 डिपार्टमेंट्स है। अगर OPD की बात करूँ दोस्तों, 600+ OPD है डेली का। अगर टोटल सर्जरी की बात करूं, चाहे वो सीजेरियन डिलीवरी हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, या नॉर्मल सर्जरीज की बात करूं, महीने में 800 से 1000 सर्जरीज होता है। इनके पास 13 से ऊपर एम्बुलेंसेज हैं, 12 ICU है, NICU 25 है और CCU 13 है। तो सोचिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है इनके पास। इस मेडिकल कॉलेज के पास जो हॉस्पिटल है वो कैंपस में ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ वो कॉलेज को प्रेफर कीजिए जिसमें कॉलेज, हॉस्टल एंड हॉस्पिटल सेम कैंपस में हो, बच्चे को ज़्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े। एवरी टाइम अगर हॉस्टल हॉस्पिटल के बीच में डिस्टेंस होगा तो दिन में अगर समझ लीजिए ट्रैवल करने में ही 1.5 से 2 घंटा चला गया तो बच्चा पढ़ेगा कब। ये भी एक रीज़न है अद्दीन अकीज़ को चूज़ करने का दोस्तों। देखिए अद्दीन अकीज़ ग्रुप के जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट होने का रीज़न भी ये है कि उनका हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सर्विस का चार्जेस उनके वेबसाइट में मेंशन है। अगर आप उस चार्जेस को देखेंगे दोस्तों, हर चीज़ इतना जेन्युइनली इकोनॉमिकली प्राइज्ड है कि हर बंदा उस हॉस्पिटल के सर्विसेज को अफोर्ड कर सकता है। इन पेशेंट का जो नॉर्मल बेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है। उसमें अगर कोई पेशेंट एडमिटेड होता है, उसमें जो इन पेशेंट का जो डॉक्टर का कंसल्टेशन है वो भी फ्री है, और मील भी वो लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं, तो पेशेंट क्यों नहीं आएगा। उसी बिल्डिंग में ही आपको लेक्चर हॉल भी दिखेगा। तो लेक्चर हॉल में मैं जब गया दोस्तों, तो देखा पूरा थिएटर स्टाइल लेक्चर हॉल है, जो कि ना फुल्ली एसी है। ये बात समझना जरूरी है दोस्तों, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये कॉलेज आता है, इससे 5-6 लाख 10 लाख भी एक्स्ट्रा आप पे करेंगे ना, बांग्लादेश में आपको एसी क्लासरूम नहीं मिलेगा। बहुत कम मेडिकल कॉलेज है जो कि ना क्लासरूम में भी एसी आपको मिलेगा। इस कॉलेज में क्लासरूम फुल्ली एसी है। सिर्फ क्लासरूम नहीं, ऑलमोस्ट हर गैलरी, ऑलमोस्ट हर सीटिंग एरिया यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी है दोस्तों। और आगे मैं जब दूसरे डिपार्टमेंट में गया दोस्तों, चाहे वो एनाटॉमी हो, हिस्टोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, गाइनी हो, आईज के हो, आप देखिए हर एक डिपार्टमेंट का मैंने वीडियो बनाया आप लोग के लिए। हर डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट उन्होंने यूज़ किया है, हर एक इक्विपमेंट जो है लेटेस्ट है और बहुत ही सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि एक इक्विपमेंट के पीछे 2-4, 5-10 बच्चे हैं। हर एक बच्चे को सफिशियंट टाइम और एलोटेड है इक्विपमेंट्स, ताकि हमारे बच्चों के लिए कोई इक्विपमेंट्स की कमी ना हो। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, खुलना सिटी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, जनरल हॉस्पिटल के नाम से, जिसका पेशेंट फ्लो अद्दीन अकीज़ से भी कम है। 250 बेडेड हॉस्पिटल है वो, जबकि अद्दीन अकीज़ के जो हॉस्पिटल है वो 500 बेडेड हॉस्पिटल है। दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस भी है उससे भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल अद्दीन अकीज़ के पास है। इन शॉर्ट, खुलना सिटी या उसके आसपास के 50-100 किलोमीटर के रेडियस में अगर मैं देखूं, तो इससे बड़ा हॉस्पिटल या इतना ज़्यादा पेशेंट फ्लो या इतना डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी कहीं नहीं है। तो पेशेंट फ्लो आपको मिलेगा, और बार बार पेशेंट फ्लो बोलने का मतलब यह दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश चूज करने का जो रीज़न है वो ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमारे बच्चे को मिले।
अब बात करते हैं लोकेशन कहाँ पे है सर, ये खुलना सिटी है कहाँ पे? सो खुलना सिटी अगर देखा जाए ढाका से 220 किलोमीटर है, जो कि ना 4 से 4.5 घंटे में पहुँचेंगे अगर आप ढाका एयरपोर्ट में उतर रहे तो। बट मैं अगर आपको बताऊँ ढाका जाने का ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया के कोई भी कोने से हो आप सिर्फ वेस्ट बंगाल के एयरपोर्ट पहुँचिए अगर फ्लाइट से आ रहे तो, या ट्रेन से आ रहे तो हावड़ा या सियालदा में पहुँचिए जो मेन रेलवे स्टेशन हैं। अगर आप कोलकाता एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं वहाँ से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है नियरेस्ट वो है सातखीरा बॉर्डर, जो कि ना सिर्फ 70 किलोमीटर्स हैं, और सातखीरा बॉर्डर से जो कॉलेज का डिस्टेंस है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है, मतलब 120 किलोमीटर और 3 घंटे में आप कॉलेज पहुंच जाएंगे कोलकाता से। अगर आप हावड़ा रेलवे स्टेशन या सियालदा रेलवे स्टेशन से पहुंचेंगे तो हावड़ा सियालदा रेलवे स्टेशन से ये 80-85 किलोमीटर है सातखीरा बॉर्डर, और वहां से फिर 50 किलोमीटर।